रफीक सरवर जैसे बड़े लोग हमारी जमीन पर परवरिश कर रहे हैं, एक पूरी पौध की परवरिश कर रहे हैं, एक पूरे माशरे की परवरिश कर रहे हैं। अगर ऐसा शख्स जो एक माशरे को तश्कील दे सकता है, अदबी तरीके से मुहज्जब बना सकता है, जबान वाला बना सकता है, तो उस शख्स का मेयार क्या होगा जबान और बयान के एतबार से। हमारी जमीन का बहुत जोर गो लहजा आपसे टकराने जा रहा है। यकीनन आप मुतासिर होंगे इस शायर से, इस शायर की शायरी से। इस वक्त आपसे गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से रफीक सरवर साहब का इस्तकबाल। हमारी 800 साल तारीख और आज का दौर गुजरे के दिलो दिमाग में नफरत के बीज बोए गए, के दिलो दिमाग में नफरत के बीज बोए गए, जो झूठ थी उसी अफवाह को उछाला गया, जो झूठ थी उसी अफवाह को उछाला गया। और हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी, तुम्हारे दौर में इखलाक मार डाला गया। अरे वाह 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 वाह, हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी, तुम्हारे दौर में अखलाक, हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी। बहुत अच्छा है जरूर भाई, जिंदाबाद। तुम्हारे दौर में अखलाक मार डाला गया। मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूँ, मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूँ, जलील करके घरों से मुझे निकाला गया। क्या बात है, अरे जिंदाबाद है, वाह 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 वाह। मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूँ, जलील करके घरों से मुझे निकाला गया। वाह भाई वाह, जलील करके घरों से मुझे निकाला गया। वो कुछ शेर के हजरत पे जलील करके घरों से मुझे निकाला गया कि नशा जब दिरहमो दीनार से नीचे नहीं उतरा, नशा जब दिरहमो दीनार से नशा जब दिरहमो दीनार से नीचे नहीं उतरा, बशर फिरौन के किरदार से नीचे नहीं उतरा। आहा, क्या बात है कि नशा जब दिरहमो दीनार से नीचे नहीं उतरा, बशर फिरौन के किरदार से नीचे नहीं उतरा, दिखावे के लिए मजदूर की मैयत में आकर भी अमीर शहर अपनी कार से नीचे नहीं उतरा। अरे वाह भाई, अरे जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। के नशा जब दिरहम और दीनार से नीचे नहीं उतरा, बहुत अच्छे सरवर भाई, जिंदाबाद। बशर फिरौन के किरदार से नीचे नहीं उतरा, बहुत अच्छे। दिखावे के लिए मजदूर की मैयत में आकर भी अमीर शहर अपनी कार से नीचे नहीं उतरा। सरवर भाई थोड़ा सा करीब। अमीर शहर अपनी कार से नीचे नहीं उतरा के दीवाना वार यार की यारी में लग गए, दीवाना वार यार के दीवाना वार यार की यारी में लग गए, हम आखिरी सफर की तैयारी में लग गए। वाह, हम आखिरी सफर की तैयारी में लग गए। जिस दिन से हमने बेच दिया है जमीर को, जिस दिन से हमने बेच दिया है जमीर को, सोने के कुछ बटन भी सफारी में लग गए। अरे जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। जिस दिन से हमने बेच दिया है जमीर को, सोने के कुछ बटन भी सफारी में लग गए। और मैं मौत और जिंदगी की कशाकश में हूँ अभी, मैं मौत और जिंदगी की कशाकश में हूँ अभी, और बेटे जायदाद शुमारी में लग गए। अरे जिंदाबाद भाई, वाह 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 भाई। हमारे सदर अली बकार गुलाम नबी साहब की मोहब्बतें पहुंच रही हैं सरवर भाई तक, और उसी के साथ साथ अली जनाब जावेद साहब, एडवोकेट जावेद साहब। मैं मौत और जिंदगी की कशाकश में हूं अभी, मैं मौत और जिंदगी की कशाकश में हूं अभी। बहुत अच्छे भैया, मैं मौत और जिंदगी की कशाकश में हूं अभी, और बेटे जायदाद शुमारी में लग गए। बहुत अच्छे भैया, कि हवेली के बचे खाने को जब दरबान खाता है, हवेली के बचे खाने को जब दरबान खाता है उसे जन्नत दिलाने की कसम रिजवान खाता है। क्या बात है, अरे बाबा, कि हवेली के बचे खाने को जब क्या कहने सरवर भाई बाबा, उसे जन्नत दिलाने की कसम रिजवान खाता है। और यही वो शौक है जिसमें महल नीलाम होते हैं, यही वो शौक है जिसमें महल नीलाम होते हैं। अमीरे शहर चांदी के वरक में पान खाता है, यही वो शौक है जिसमें महल नीलाम होते हैं। अमीरे शहर चांदी, यही वो शौक है जिसमें महल नीलाम होते हैं। वाह भाई, अमीरे शहर चांदी के वरक में पान खाता है, अमीरे शहर चांदी के वरक में पान खाता है। और कुछ शेर के हजरात के तीर तलवार ना खंजर की हिमायत में रहे, तीर तलवार ना खंजर की हिमायत में रहे, अहले ईमान तो 72 की हिमायत में रहे। तुझसे तौफीक के मोहब्बत न हुई तो क्या गम, तेरे नेजे तो मेरे सर की हिमायत में रहे। अरे वाह भाई,
उसे माफी के मोहब्बत न हुई तो क्या गम, तेरे नेजे तो मेरे सर की हिमायत में रहे, और जब तलक खून उगलती रही मेहनत मेरी, जब तलक खून उगलती रही, मेरा ये शेर आसिफ भाई की मेहनत मेरी, जब तलक खून उगलती रही मेहनत मेरी, सारे हालात मेरे घर की हिमायत में रहे, वाह वाह भाई, जब तलक खून उगलती रही मेहनत, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, जब तलक खून उगलती रही मेहनत मेरी, सारे हालात मेरे घर की हिमायत में रहे, वाह भाई सबर भाई, सारे हालात मेरे घर की हिमायत में रहे, हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, ये शेर सुनना तमाम लोग मुतवज्जो होगा कि हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, हमारे कातिलों को वक्त का कारून लिखना था, वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था, वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था, और अच्छे कि यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर, यही है यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर, तू अपनी मौत को मत भूल कब्रिस्तान के बाहर, वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर, जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर, वो बच्चे बेचते हैं फूल और कुशे के, खुदा का नाम लेती है निवाले चूम लेती है, खुदा का नाम लेती है, खुदा का नाम लेती है निवाले चूम लेती है, मेरी माँ प्यार से हाथों के छाले चूम लेती है, कि खुदा का नाम लेती है निवाले चूम लेती है, मेरी माँ प्यार से हाथों के छाले चूम लेती है, खुदा के फजल से जो भी कमा लाता हूँ ऐ सरवर, वो बढ़ के मेरी मेहनत के उजाले चूम लेती है, खुदा के फजल से जो भी कमा लाता हूँ, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, खुदा के फजल से जो भी कमा लाता हूँ ऐ सरवर, हाय हाय हाय, वो बढ़ के मेरी मेहनत के उजाले चूम लेती है, और हमारा माशरा और ये एक मंजर के आंखों में कोई नुक्स न लुकना जबान में, आरी भाई आंखों में कोई नुक्स न लुकना जबान में, फिर भी गरीब लोग रहे इम्तिहान में, क्या बात, आंखों में कोई नुक्स न लुकना जबान में, फिर भी गरीब लोग रहे इम्तिहान में, ये कह के घर से बेटी के रिश्ते पलट गए, ये कह के घर से बेटी के रिश्ते पलट गए, हाय ऐ मुफलिसी का तेरे खानदान में, क्या बात है भाई, अरे बाबा बाबा, नुक्स न लुकना जबान में, हाय हाय, आंखों में कोई नुक्स न लुकना जबान में, फिर भी गरीब लोग रहे इम्तिहान में, फिर भी गरीब लोग रहे इम्तिहान में, ये कह के घर से बेटी के रिश्ते पलट गए, हाय ऐ मुफलिसी का तेरे खानदान में, बहुत अच्छे जरूर भाई, और कुशेर के इशारे करते हो आपस में मुस्कुराते हो, के इशारे करते हो आपस में मुस्कुराते हो, घड़ी की कार की कीमत कभी बताते हो, क्या बात है, क्या बात, इशारे करते हो आपस में मुस्कुराते हो, घड़ी की कार की कीमत कभी बताते हो, किसी गरीब को महफिल में अपने बुलवा कर गरीब होने का एहसास क्यों दिलाते हो, इशारे करते हो आपस में मुस्कुराते हो, जिंदाबाद भाई, वाह वाह, इशारे करते हो आपस में मुस्कुराते हो, वाह भाई, घड़ी की कार की कीमत कभी बताते हो, बहुत अच्छे, घड़ी की कार की कीमत कभी बताते हो, किसी गरीब को महफिल में अपने बुलवा कर गरीब होने का एहसास क्यों दिलाते हो, वाह, और कुछ शेर के अभी आसिफ भाई का एक रंग है, मैं चाहता हूँ कुछ शेर उसमें के चार मिसरों की फरमाइश के इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, क्या बात, के इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, भाई हमारे मुस्तफा भाई अपनी मोहब्बतों से नमाज रहे, क्या बात है, फिर पढ़िए भाई, फिर पढ़िए, और कुशेर के इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, वाह भाई, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, और मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, और कुशेर के जमीनों गौहरों जर की तलब में है सरवर, जमीनों गौहरों जर की तलब में है सरवर, बदलते रिश्तों की रोशन दलील ले आए,
बदलते रिश्तों की रोशन दलील ले आए और दराज था बाप के सीने में दर्द उठा था, तबीब लाना था बेटे वकील ले आए। यार तालियां समझा रहे आपकी। मैं हमारे सुहेल आजाद साहब मोहब्बतों से नवाज रहे, वाह 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 वाह, जरा सा बाप के सीने में दर्द उठा था कि जमीन और गौहर जरकी तलब में, जरकी तलब में है सरवर, बदलते रिश्तों की रोशन दलील ले आए और जरा सा बाप के सीने में दर्द उठता था, तबीब लाना था बेटे वकील ले आए, तबीब लाना था बहन बेवा। आइए कुछ शेरों की फरमाइश के, ये क्या के भाई की गैरत ही पानी हो गई। सुनिए हमारे माशरे का, हमारी जिम्मेदारियां, ये क्या के भाई की गैरत ही पानी हो गई घर में, बहन बेवा हुई तो नौकरानी हो गई घर में। हाय हाय हाय, ये क्या, अरे वाह 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 वाह, ये क्या के भाई की गैरत ही पानी हो गई घर में, बहन बेवा हुई तो, ये क्या के भाई की गैरत ही पानी हो गई। अरे क्या अच्छा मतलब है भरपूर, वाह, बहन बेवा हुई तो नौकरानी हो गई घर में, चमन की तितलियों से अपनी आंखें सेकने वाले, नजर रखना तेरी बेटी सियानी हो गई घर में। वाह 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 वाह, चमन की तितलियों से अपनी आंखें सेकने वाले, नजर रखना तेरी बेटी सियानी, चमन रखना तेरी बेटी सियारी हो, सियानी हो गई घर में, जब भी फुटपाथ में मिल जाती है बासी रोटी, जब भी आप तस्वीर में मंजर देखते होंगे कि जब भी फुटपाथ पे मिल जाती है बासी रोटी, दूर कर देती है बच्चों की उदासी रोटी, कि जब भी फुटपाथ पे मिल जाती है बासी रोटी, दूर कर देती है बच्चों की उदासी रोटी, ये मशीनों में कटे हाथ, ये रोटी की तड़प हो गई आज मेरे खून की प्यासी रोटी। ये मशीनों में कटे हाथ, ये रोटी की तड़प, ये मशीनों में कटे हाथ, ये रोटी की तड़प हो गई, हो गई आज मेरे खून की प्यासी रोटी, चोर कहकर जिसे पीटा गया बस्ती बस्ती, उसकी मुट्ठी में दबी निकली जरा सी रोटी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, चोर कहकर जिसे पीटा गया बस्ती बस्ती, चोर कहकर जिसे पीटा गया बस्ती बस्ती, उसकी मुट्ठी में दबी निकली जरा सी रोटी, उसकी मुट्ठी में दबी निकली शराफत सांस लेती है, रवादारी भी जिंदा है, शराफत सांस लेती है रवादारी, शराफत सांस लेती है रवादारी भी जिंदा है, अभी इस शहर में लोगों वफादारी भी जिंदा है, और दुपट्टे बेटियों के सर से उतरे ही नहीं सरवर, अभी चौपाल भी कायम है सरदारी भी जिंदा है। अरे दुपट्टे बेटियों के सर से उतरे ही नहीं सरवर, अभी चौपाल भी कायम, दुपट्टे बेटियों के सर से उतरे ही नहीं सरवर, अभी चौपाल भी कायम है सरदारी भी जिंदा है, अभी चौपाल भी कायम है सरदारी भी जिंदा है, अनोखी संत अनोखे जहान मांगता है, अनोखी अनोखी संत अनोखे जहान मांगता है, परिंदा फिक्र का ऊंची उड़ान मांगता है, वो माँ का प्यार था जो मुझ पे जान देती थी, वो माँ का प्यार था जो मुझ पे जान देती थी, ये मेरा इश्क है जो मुझसे जान मांगता है। अरे वाह, माँ का प्यार था जो मुझ पे जान देती थी, क्या बात है, ये मेरा इश्क है जो मुझसे जान मांगता है, ये मेरा इश्क है। और कुछ शेर की फरमाइश है कि ना शेख ना सैयद ना कहीं खान लिखा है, कि ना शेख ना सैयद ना कहीं खान लिखा है, सरकार की गोली पे मुसलमान लिखा है, ना शेख ना सैयद ना कहीं, क्या अच्छा है भाई, ना शेख ना सैयद ना कहीं खान लिखा है, वाह भाई, सरकार की गोली पे मुसलमान लिखा है, और अखबार पढ़ के शर्म से सर झुक गया मेरा, घोटाला मेरे मुल्क की पहचान लिखा है, अखबार पढ़ के शर्म से सर झुक गया मेरा, अच्छा है भाई, घोटाला मेरे मुल्क की पहचान लिखा है। और कुशेर के गली में भीड़ लगाए हुए जो जारी थी, अभी हम ईद का दिन गुजारा और एक ईद आने वाली, के गली में भीड़ लगाए हुए जो जारी थी, अमीरे शहर की नेकी वो इश्तिहारी थी, के गली में भीड़ लगाए हुए जो जारी थी, अमीरे शहर की नेकी वो इश्तिहारी थी, जकात लेते हुए शर्म आ रही थी, मगर गरीब माओ को बच्चों की ईद प्यारी थी। बात है, जिंदाबाद भाई बाबा, फोटो खींचा। गली में भीड़ लगाए हुए जो जारी थी, अमीरे शहर की नेकी वो इश्तिहारी थी, जकात लेते हुए शर्म आ रही थी, मगर
गरीब माओ के बच्चों की ईद प्यारी थी, गरीब माओ के बच्चों की ईद प्यारी थी कि रियाकारी की हद करते हुए फोटो खिंचाते हैं, रियाकारी की हद करते हुए फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, नुमाइश को सनद करते हुए फोटो खिंचाते हैं। ये कैसा दौर है सरवर, ये कैसे लोग हैं सरवर, गरीबों की मदद करते हुए फोटो खिंचाते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हफीज पेट की मोहब्बतें सरवर रफीक, ये कैसा दौर है सरवर, ये कैसे लोग हैं सरवर, गरीबों की मदद करते हुए फोटो खिंचाते, गरीबों की मदद करते हुए फोटो खिंचाते, अपनी खुददारियां आंखों में समेटे होंगे, अपनी खुददारियां अपनी खुददारियां आंखों में समेटे होंगे, फूल से जिस्म पे गैरत को लपेटे होंगे, नींद फुटपाथ पे सबको नहीं आती सरवर, गौर से देखो मजदूर के बेटे होंगे, अपनी खुददारियां आंखों में समेटे होंगे, फूल से जिस्म पे गैरत को लपेटे होंगे, नींद फुटपाथ पे सबको नहीं आती सरवर, गौर से देख गौर से देख वो मजदूर के बेटे होंगे। असल में कुछ शेरों की फरमाइश है, पढ़ दे नहीं पढ़ो पढ़ो क्या प्यारा सुन रहे हैं। सखावत का सफर खैरात से होकर गुजरता है, सखावत का सफर सखावत का सफर खैरात से होकर गुजरता है, महल का रास्ता फुटपाथ से होकर गुजरता है, हाय हाय हाय, महल का रास्ता फुटपाथ से होकर गुजरता है, तुम्हारे शीस महलों में खुशी का एक लम्हा भी किसी मजदूर के हालात से होकर गुजरता है, हाय 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 हाय, रे बाबा बाबा, कि तुम्हारे शीस महलों में खुशी का एक लम्हा भी किसी मजदूर के हालात से होकर किसी मजदूर के हालात से होकर गुजरता है, तेरी फेंकी हुई नेमत को दीवाना उठा लाया, तेरी फेंकी हुई नेमत तेरी फेंकी हुई नेमत को दीवाना उठा लाया, वो कूड़ेदान से अपने लिए खाना उठा लाया, वाह भाई वाह, तेरी फेंकी हुई नेमत को दीवाना उठा लाया, वो कूड़ेदान से अपने लिए खाना उठा लाया, हयातो मौत की एक कश्मकश्ती शाम से पहले परिंदा अपने बच्चों के लिए दाना उठा लाया, हयातो मौत की एक कश्मकश्ती शाम से जिंदाबाद भाई वाह, परिंदा अपने बच्चों के लिए के जरूरत इश्तेहारी हो चुकी है, जरूरत जरूरत इश्तेहारी हो चुकी है, नई दुनिया भिखारी हो चुकी है, क्या बात, जरूरत इश्तेहारी हो चुकी है, नई दुनिया भिखारी हो चुकी है, फकत एक प्यास है नन्हे लबों पर जो कुल दरिया पे भारी हो चुकी है, जो कुल दरिया पे भारी हो चुकी है, इधर बहनों का हिस्सा लूट चुका है, उधर हज की तैयारी हो चुकी है, हाय हाय, अरे जिंदाबाद भाई, हमारे शराफत अली साहब और तमाम लोग, तमाम दोस्तों की मोहब्बतें सरवर साहब के लिए, भाई हमारे आरिफ सैफी साहब की मोहब्बतें सरवर साहब के लिए, माशाल्लाह, क्या जरूरत इश्तेहारी हो चुकी है, हाँ नई दुनिया भिखारी हो चुकी है, फकत एक प्यास है नन्हे लबों पर जो कुल दरिया पे भारी हो चुकी है, इधर बहनों का हिस्सा लूट चुका है, उधर हज की तैयारी हो चुकी है, वाह भाई, उधर सांपों से और बीन से दूरी बनाए रख, सांपों से के सांपों से और बीन से दूरी बनाए रख, हर मारे आस्तीन से दूरी बनाए रख, पानी भी मांगता नहीं इनका डसा हुआ सरवर, मुनाफिकीन से दूरी बनाए रख, सांपों से और बीन से दूरी बनाए रख, हर मारे आस्तीन से दूरी बनाए रख, पानी भी मांगता नहीं इनका डसा हुआ सरवर, मुनाफिकीन से दूरी बनाए रख, और इसी कबील के चार मिसरे के पेड़ों पे दस्तियाब ना जेरे जमीन सांप, पेड़ों पे दस्तियाब ना जेरे जमीन सांप, रहते हैं आस पास हमारे हसीन सांप, हाय हाय, पेड़ों पे दस्तियाब ना जेरे जमीन सांप, रहते हैं आस पास हमारे हसीन सांप, रहते हैं आस पास हमारे हसीन सांप, मेरे ही दोस्त निकले मेरी आस्तीन से, कि मेरे ही दोस्त निकले मेरी आस्तीन से, हैरत से तक रहे हैं मेरी आस्तीन सांप, मेरे ही दोस्त निकले मेरी आस्तीन से, हैरत से तक रहे हैं मेरी आस्तीन। और कुछ शेर के इससे पहले कोई एहसान जताने लग जाए, इससे पहले कोई एहसान जताने लग जाए, मेरे मालिक मेरी मिट्टी ही ठिकाने लग जाए,
इससे पहले कोई एहसान जताने लग जाए, बहुत अच्छे, मेरे मालिक मेरी मिट्टी ही ठिकाने लग जाए, मुफलिसी दी तो बुढ़ापा नहीं देना मोला। हाय हाय, मुफलिसी दी तो बुढ़ापा नहीं देना मोला, कब कोई बेटा कहाँ आग दिखाने लग जाए। हाय हाय हाय, मुफलिसी ये बहुत बड़ा शेर था दोस्तों, इस पर तालियां आनी चाहिए थी आप लोगों, ये बहुत बड़ा शेर था भाई। इससे पहले कोई एहसान जताने लग जाए, मेरे मालिक मेरी मिट्टी ही ठिकाने लग जाए, मुफलिसी दी तो बुढ़ापा नहीं देना मोला, कब कोई बेटा कहाँ आग दिखाने लग जाए। और मुस्कुराता मैं भी अपने घर की जानिब चल पड़ा, मुस्कुराता मैं भी अपने घर की जानिब चल पड़ा। रोते बच्चों के लिए सपने सलोने मिल गए, रोते बच्चों के लिए सपने सलोने मिल गए, और आज ये सौदा बहुत सस्ता लगा सरोवर मुझे, एक बोतल खून देकर कुछ खिलौने मिल गए। मुस्कुराता मैं भी अपने घर की जानिब चल पड़ा, रोते बच्चों के लिए सपने सलोने मिल गए, आज ये सौदा बहुत सस्ता लगा सरोवर मुझे, एक बोतल खून देकर कुछ खिलौने मिल गया। और कुछ शेर के कैसे हुए हलाल निवाले बताए थे, कैसे हुए हलाल निवाले बताए थे, आए हैं कैसे घर में उजाले बताए थे, बरसों नजर मिला न सके मुझसे, एक दिन बच्चों को मैंने हाथ के छाले बताए थे। भाई वाह, कैसे हुए हलाल निवाले बताए थे, आए हैं कैसे घर में उजाले बताए थे, बरसों नजर मिला न सके मुझसे, एक दिन बच्चों को मैंने हाथ के छाले बताए थे, बच्चों को और कुशेर के बच्चों को मैंने हाथ के, ये जो फल कच्चे थे अब कच्चे नहीं है, जो फल कच्चे थे अब कच्चे नहीं है, मगर ये दिन बहुत अच्छे नहीं है, हमारी जेब में दुनिया है लेकिन हमारे हाथ में बच्चे नहीं है। वाह भाई वाह, हमारी जेब में बच्चे है लेकिन हमारे हाथ में बहुत अच्छे, हमारी जेब में दुनिया है लेकिन हमारे हाथ में बच्चे नहीं है, मेरी आवाज को फरियाद के खाने में रखा है, मेरी आवाज को फरियाद के खाने में रखा है, हुकूमत ने मुझे इमदाद के खाने में रखा है, और ये तेरे पाँव में घुंघरू मुझे देखे नहीं जाते, ये तेरे पाँव में घुंघरू मुझे देखे नहीं जाते, गजल मैंने तुझे औलाद के खाने में रखा है। वाह भाई वाह, ये तेरे पाँव में घुंघरू मुझे देखे नहीं जाते, गजल मैंने तुझे औलाद के खाने में रखा, गजल मैंने तुझे औलाद के खाने में रखा है, मेरे हालात कहते हैं कि खंजर बेचना होगा, मेरे हालात कहते हैं कि खंजर बेचना होगा, मगर सरदार का ये हुक्म है सर बेचना होगा, क्या बात है, मगर सरदार का ये हुक्म है सर बेचना होगा। पढ़ाई के लिए अम्मी ने जेवर बेच डाले थे, पढ़ाई के लिए अम्मी ने जेवर बेच डाले थे, मगर नौकरी के वास्ते घर बेचना होगा, क्या बात है भाई वाह, पढ़ाई के लिए अम्मी ने जेवर बेच डाले थे, मगर अब नौकरी के वास्ते घर बेचना। आखिरी कुछ शेर के, गिरेबा चाक कांटो की चुभन सब भूल जाता हूँ, गिरेबा चाक कांटो की चुभन सब भूल जाता हूँ, जुनूने शौक में दारो रसन सब भूल जाता हूँ, न जाने कैसा टॉनिक है तबस्सुम मेरे बच्चों का, जरा सा मुस्कुराते हैं थकन सब भूल जाता हूँ।